डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 70, चैप्टर 13। तो इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, इस फिगर बी द ट्रांसलेटेड पोजीशन ऑफ फिगर ए। फिगर बी जो है वो फिगर ए का ट्रांसलेटेड पोजीशन है। ट्रांसलेटेड पोजीशन का मतलब होता है कि उसी के आकार का, उसी के इक्वल जो है फिगर होना, उसी के इक्वल, ना कि रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकल लाइन। यहाँ पे ने बतलाता है, यहाँ पे ये जो पिक्चर बना हुआ है जस्ट उसी के इक्वल होना चाहिए ये पिक्चर। जैसे कि इसको हम अगर उठाते हैं और यहाँ रखते हैं तो कम्प्लीटली ये जो है ढक जाएगा इससे, तो उसी तरह का फिगर है। इसका मतलब है कि ट्रांसलेटेड पोजीशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा एस, तो हम यहाँ पे दे देते हैं एस। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेटेड पोजीशन यहाँ भी कह रहा है, इस फिगर बी द ट्रांसलेटेड पोजीशन ऑफ फिगर ए। तो फिगर बी जो है वो फिगर ए का ट्रांसलेटेड पोजीशन है, मतलब बिल्कुल इसी की तरह है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल साइज का है और ये इसी तरह का बी नंबर भी जो है रेक्टेंगल साइज का है। अगर हम इसको उठा के इसमें रखते हैं या इसको उठा के इसमें रखते हैं तो कम्प्लीटली ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेटेड पोजीशन है। तो यहाँ पे एस करते हैं, यहाँ एस हो जाएगा। अब यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 में, यू कैन ऑब्टेन फिगर ए आफ्टर ट्रांसलेटिंग फिगर बी। अगर आप फिगर ए को ट्रांसलेट करते हैं, उसी के जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, तो फिगर बी प्राप्त होगा। तो इसको अगर हम उठा के यहाँ रखते हैं तो इसके ऊपर कम्प्लीटली आ जाएगा, या इसको उठा के इसमें रखते हैं तो कम्प्लीटली इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है वो फिगर बी का ट्रांसलेटेड बनेगा, फिगर बी जैसा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेटेड पोजिशन है, ये जो है फिगर बी का ट्रांसलेटेड पोजिशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ एस करना है, एस। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ बदलाव आ गया है। तो क्या बदलाव आ गया है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पहले। इज फिगर बी द इमेज ऑफ फिगर ए व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू द लाइन एल। इस एल लाइन, यहाँ पे एक एल लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ये लाइन है, और फिगर बी जो है वो ए का रिफ्लेक्टेड फिगर है। रिफ्लेक्टेड मतलब मिरर, मिरर में जैसे आईने में जैसे हम लोग देखते हैं उस तरह का फिगर है। तो मिरर जो पोजीशन होता है या मिरर फिगर जो होता है वही सिमेट्रिकल फिगर होता है। तो इसको अगर हम उठा के इस तरह से मोड़ के इसमें करते हैं तो ये कम्प्लीटली इस पे आके बैठ जाएगा। इस तरह से सारा चीज़ इस पे, ये ढक जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, पूरा ये इस पे आ जाएगा इस तरह से। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्टेड फिगर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये फिगर और इस फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो है ट्रांसलेटेड पोजीशन में ये फिगर जो है, कोई भी फिगर, ये इसके इक्वल में है, लेकिन ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड फिगर नहीं है। अगर इसको मोड़ते हैं, यहाँ पे इस तरह से ढकते हैं तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन इस फिगर को उठा के अगर यहाँ रखते हैं या इसको उठा के यहाँ रखते हैं तो ये कम्प्लीटली ढक जाएगा। इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं है लेकिन ट्रांसलेटिंग है, ट्रांसलेटेड है। इस तरह से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसको समझना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिरर फिगर बना हुआ है, तो मिरर फिगर को ही रिफ्लेक्टेड फिगर बोलते हैं या सिमेट्रिकल फिगर होता है। ये रिफ्लेक्टेड, मिरर और सिमेट्रिकल सेम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, इज फिगर ए द इमेज ऑफ फिगर बी थ्रू द लाइन पी। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे लाइन पी दिया हुआ है, ये पी यहाँ पे दिया हुआ है, और इस लाइन के द्वारा ये रिफ्लेक्टेड है या नहीं है। ए फिगर जो है बी का रिफ्लेक्टेड है, तो रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे कम्प्लीटली जो है मिरर फिगर बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एस, यहाँ एस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी मिरर फिगर दिखाया हुआ है ए बी। इज द फिगर इन वाटर द रिफ्लेक्शन ऑफ द बिल्डिंग ए अलॉन्ग द वाटर लाइन। तो यहाँ पे जो है ये पानी पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ नीचे में जो है ये पानी है, और ये मेन फिगर जो है ये है, और इसका जो रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रिफ्लेक्टेड कर रहा है, ये इक्वल होगा, सिमेट्रिकल होगा इस लाइन के द्वारा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जो फिगर यहाँ होता है वही फिगर यहाँ दिखता है। तो यहाँ पे एस कर देते हैं, ये यहाँ पे एस हो जाएगा। तो कम्प्लीटली यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।